तो यहाँ पे एक 3.5 mm का जैक है। क्या हो गया भाई? देखो भाई देखो, इसके बिना हम किसी भी तरीके की ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हमारे गोप्रो में। भाई देखो छोटा सा बच्चा है। तो पहले हम इसको लगाएंगे। 50,000 रुपए का सीधा फटका। तो हम ये देखें कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। वो ये रहने वाला है, गोप्रो हमारा इंस्टॉल हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड इन योर लाइफ। तो दोस्तों आज एक और फ्रेश वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, और आज की वीडियो में हम GoPro का पूरा सेटअप अपने हेलमेट पे इंस्टॉल करने वाले हैं। और GoPro के सेटअप के लिए जो हेलमेट हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, वो है हमारा ये एक्सोर का एपेक्स वॉलेट, जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेज करा है। अगर अभी मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं तो देखो अभी इस पे किसी भी तरीके का माउंट हमने नहीं चिपकाया है, बिकॉज GoPro का माउंट हम इस पे चिपकाएंगे और उसके बाद ही GoPro इस पे इंस्टॉल हो पाएगा। जो माउंट हम इस पे लगाएंगे ना, वो ये रहने वाला है एक्शन प्रो का। इसके अंदर देखो 3M की टेप भी है, और जब हम इसको इस पे चिपका देंगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से इसकी ओवरऑल लुक आएगी, ये देखो। और इसके ऊपर फिर GoPro का जो पूरा सेटअप है वो हम इजीली इंस्टॉल कर लेंगे। और दोस्तों GoPro को हेलमेट पे लगाने के लिए ना ये केसिंग आती है, ये आप देखोगे ये उलांजी की केसिंग है। इसके अंदर मैंने अपना GoPro पहले से ही डाल के रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और ये जो है उस माउंट पे लग जाएगा जो कि हम हेलमेट पे चिपकाएंगे। और इसके साथ जो माइक हम यूज़ करने वाले हैं दोस्तों, वो है माउनो का माइक, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, 350-400 रुपये में आपको इजीली अमेजोन पे ये अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। जिस लेवल की क्वालिटी ये हमें प्रोवाइड कर रहा है 400 रुपये में, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, मतलब क्रिस्टल क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड करता है ये। और एक जो हमारा सबसे स्पेशल है वो है ये GoPro का माइक अडेप्टर। इसके बिना हम किसी भी तरीके की ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हमारे GoPro में। इसको भी इंस्टॉल करेंगे। और ये जो है आप अगर ध्यान से देखो, जो उलांजी की ये केसिंग है जिसके अंदर हमारा GoPro है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये यहाँ पर ऐसे करके फिट हो जाता है, ये देखो ये ऐसे करके यहाँ पे फिट हो जाता है। और फिर ये हम इसे यहाँ पर ऐसे करके माउंट कर देंगे, ये यहाँ पे इधर इसका जैक भी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे और हमारे हेलमेट के ऊपर GoPro का पूरा सेटअप इंस्टॉल करेंगे। तो बिना किसी देरी के आओ सीधा चलते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी है मेरे हेलमेट के अकॉर्डिंग, बिकॉज जो इसका यहाँ पे ये राउंड शेप आ रही है ये इस पर प्रॉपरली फिट नहीं हो रही थी। और दूसरा ये कि मेरी हाइट क्योंकि 5'11" है, और जो मैं बाइक चलाता हूँ उसमें जो राइडिंग स्टांस है वो आगे झुक के चलाने वाला है, तो इसलिए मेरे को जो हेलमेट में माउंट लगाना पड़ रहा है वो थोड़ा सा ऊपर लगाना पड़ रहा है, बिकॉज मैं जो कैमरा है उसे अपसाइड डाउन लगाऊंगा। इससे क्या होगा कि जो मेरे को प्रॉपर व्यू चाहिए ना बाइक को चलाते हुए, वो मेरे को इजीली मिल जाएगा। बाकी आप लोग की जैसी भी हाइट है तो उसके अकॉर्डिंग आप जहाँ पे भी इसको फिट कर सकते हैं वहाँ पे फिट करिए, बिकॉज एक बार अगर ये फिट हो गया यहाँ पे फिक्स हो गया तो उसके बाद इसको छुटाना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली जॉब हो जाती है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से करा। बाकी आप लोग भी जब इसे लगाओगे तो ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हेलमेट के अंदर मैंने माउंट को इंस्टॉल कर दिया है और बहुत ही अच्छे से लगाया है, देखो आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही मतलब एकदम अच्छे से इसकी फिटिंग आई है। और अगर इसको हम ये देखें कि ये कितना स्ट्रांग है, तो अगर हम हेलमेट को इसी से ही पकड़ रहे हैं, हेलमेट का वेट 1600 grams है, तो ऑलमोस्ट 1.5 kilo का वजन अगर ये टॉलरेट कर रहा है, तो GoPro का वजन तो दोस्तों बहुत ही हल्का है इसके कंपेरिजन में, तो ये इजीली उसे भी टॉलरेट कर ही लेगा। तो ये हमारा माउंट लग गया और अब हम इसके ऊपर GoPro को इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा GoPro और ये हमने हेलमेट को पकड़ा है। तो दोस्तों फाइनली आप ये देख सकते हो GoPro हमारा इंस्टॉल हो गया है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में लगा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देखो। और अब इसके अंदर अडेप्टर जो है दोस्तों वो हम
अभी आप देख सकते हो हमने इसके अंदर अडेप्टर को भी फिट कर दिया है, और अगर आप इस साइड से देखो तो आपको यहाँ पे जैक दिख रहा होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हो हमने अडेप्टर को भी फिक्स कर दिया। अब अगर आप अडेप्टर पे क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे एक 3.5 mm का जैक है और दूसरा जो है टाइप सी है। टाइप सी से हम चार्जिंग कर सकते हैं दोस्तों सेम टाइम पे जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और जो हमारा 3.5 mm का जैक है उससे हमारी रिकॉर्डिंग होगी। और अब मैं आपको एक बार माइक भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा माइक हो गया, ये हमारा माइक्रोफोन, और ये 3.5 mm का जैक, एक ये हमारा अडेप्टर। और दोस्तों ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज अगर हमने इसको अडेप्टर में नहीं लगाया तो माउनो का माइक गोप्रो के अडेप्टर के साथ या गोप्रो के साथ नहीं चलता। तो पहले हम इसको लगाएंगे, इसको हमने ऐसे लगाया, ये इसमें फिक्स हो गया। और अब हम इसको जो मैंने आपको 3.5 mm का जैक दिखाया था अडेप्टर के अंदर, यहाँ पे इसको ऐसे हम फिक्स कर देंगे। और ये जो माइक है इसको हम हेलमेट के अंदर कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, और इसकी वायरिंग भी ज़्यादा नहीं होती तो हम इसको इजीली कहीं पे भी छुपा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा GoPro का सेटअप हमारे हेलमेट पे लग चुका है। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो हमें इसमें इंस्टॉल करना हो, और अब हम इसको पहन के बाइक चलाएंगे और फिर हम ये चीज़ भी चेक करेंगे कि जो हमारा कैमरा एंगल है वो प्रॉपर है या नहीं है, और उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स अगर करनी होंगी तो हम वो एडजस्टमेंट्स ईजिली कर लेंगे, और उसके बाद हमें कन्फर्म हो जाएगा कि हमारा जो कैमरा एंगल है वो परफेक्ट है और हमारा GoPro का सेटअप एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। और अगर इसका एंगल दोस्तों आगे पीछे आता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो ये यहाँ पे इसकी ये वाली नॉब है, ये वाला जो नट है, इस वाले नट को थोड़ा सा लूज करेंगे और ये देखो ये हमारा कैमरा आगे पीछे मूव कर सकता है। तो बस हम इसको मूव करेंगे और जो भी हमारा कैमरा एंगल परफेक्ट होगा उस पर इसको सेट करेंगे, एंड देन वी आर गुड टू गो। तो दोस्तों हमारा जो GoPro का सेटअप है हमारे एग्जॉर के हेलमेट पे वो एकदम बढ़िया काम कर रहा है। उसकी पूरी टेस्टिंग मैंने कर ली है और अब एक बार ही आप लोग को भी पूरी सैम्पलिंग इसकी सुना रहा हूँ। और ओवरऑल इसका यही रहेगा कि भाई अब हम इसी एंगल पे और इसी सेटअप पे सब कुछ करेंगे, सब कुछ चलाएँगे। एक बार भाई इसको भी सेट कर लें ताकि आपको ना भाई एक फ्रंट एंगल व्यू मिल जाएगा। जय हो बजरंगबली की, जय हो प्रभु श्री राम जी की। तो दोस्तों ये वही कैमरा सेटअप है जो हमने एग्जॉर के हेलमेट पे माउंट करा है, और अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो इसी माइक से है और इसी GoPro की है। और मैंने सेकेंडरी कैमरा भी लगा रखा है साइड मिरर पे, और आपको वही वाली फुटेज दिख रही है। तो ओवरऑल भाई हमारा सेटअप सक्सेसफुल रहा, एकदम कंप्लीट सेटअप हो चुका है, और अब हम मोटो व्लॉगिंग इसी सेटअप से कर सकते हैं बहुत ही इजीली। एज फार एज अगर साउंड देखी जाए ना भाई कि एक्सटर्नल कोई डिस्टरबेंस है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तो देखो अभी हम 53 पे चल रहे हैं, मतलब 55 पे चल रहे हैं, और अभी तक साउंड में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। और आई होप कि जो ये रिकॉर्ड हो रहा है ना इसमें भी कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इनफैक्ट जो हमारा कैमरा एंगल है ना भाई वो भी परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। मतलब जो मैंने एस्टिमेट लगाया था ना, जो मैंने एजम्पशंस लगाए थे कि भाई हमें इस एंगल पे चाहिए होगा हमारी हाइट के अकॉर्डिंग, और जो बाइक हम चला रहे हैं तो उसमें जो राइडिंग स्टैंड है भाई वो आगे की तरफ भाई लीन होता है, मतलब आगे की तरफ झुका हुआ होता है। तो अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो भाई हमारा ओवरऑल पूरा का पूरा सेटअप भाई एकदम परफेक्ट रहा। एंड आई होप आप लोग को भी ये सेटअप पसंद आया होगा, ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आई एम सो हैप्पी कि हमारा सेटअप एक सिंगल टाइम में भाई पूरा का पूरा वर्क कर गया। क्या हो गया भाई, अभी अभी बिल्कुल फ्रेश बनाया है मेरी तरह का। अभी ताली देने को पर अभी ऑफिस है, मैं एक ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है।
स्टार्टिंग तो करनी चाहिए बिल्कुल। चलो आपने तो पैसा भी लगा रखा है दोनों साइड। और भाई ये देखो ऐसे बाइकर्स मिलते हैं भाई रास्ते में, और ऐसे ही एक शुरुआत होती है भाई, ऐसे ही फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं। और भाई देखो छोटा सा बच्चा है और रैप करने के लिए बोल रहा है भाई R15 सिंगल सिलेंडर, और भाई बच्चे को रैप करना। देख रहे हो भाई, लेकिन एक बात गलत है भाई, बच्चे ने हेलमेट नहीं पहन रखा, दिस इज रॉन्ग भाई, हेलमेट पहनना मस्ट है, बिकॉज भाई सेफ्टी तो सबसे पहले है, अगर सेफ ही नहीं रहोगे तो भाई बाइक क्या चलाओगे। ओहो भाई जी पहाड़ खोद रखा है इधर, देखो भाई देखो ये हमारे बाइकर्स भाई पूरी साउंड लगा रखी है NS 200 से। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं उतना आप लोग को अपनी तरफ से कमेंट सेक्शन में आंसर्स कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।